हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल और हमारा आज का टॉपिक है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम। तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है और उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले इनकी कुछ सामान्य नियम है, हम उनकी बात कर लेते हैं कि 100 से अधिक। तो याद रखना, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है तो उनमें तीन अक्षर आएंगे। कितने अक्षर? तीन अंक आएंगे, यूं बोलो तीन अंक आएंगे। और तीन अंक आएंगे तो उनका नाम तीन अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी उनके नाम का जो प्रतीक बनेगा वो तीन अक्षरों में बनेगा। कि 100 से अधिक वाले जो तत्व है उनमें तीन अक्षर आएंगे और तीन अक्षर तीन अंक आने की वजह से और उनका जो नाम बनेगा वो मूल नाम प्रतीक के रूप में तीन अक्षर का होगा। और कुछ सामान्य कुछ अंक होते हैं और उन अंकों के मूल नाम होते हैं, तो पहले हम वो देखते हैं नियम में। जैसे मैं आपको यूं बताऊं, आपको जीरो है, जीरो को आपको नील बोलना है, जीरो को आप नील, जीरो कुछ नहीं होता है तो नील होता है, नील बोलोगे इसे आप। और एक है, इस एक को आप अन बोलोगे, क्या बोलोगे? अन, यू एन अन, ठीक है ना, यू के बराबर आकार का एन आएगा, अन बोलोगे इसे। और दो को आप बाई बोलोगे, दो को बी आई बाई, यानी बी छोटा आई भी छोटा बी आई। और तीन को आप ट्राई बोलोगे, टी आर आई, यानी कहने का तीनों ही अक्षर छोटे, सारे के सारे अक्षर स्मॉल लेटर आएंगे इसमें, याद रखना टी आर आई, ट्राई बोलोगे तीन को। चार को आप यहां टेट्रा ने बोल करके और क्वेड बोलोगे, क्यू यू ए डी क्वेड, क्यू यू ए डी क्वेड बोलना है चार को, क्वेड कहा जाता है क्वेड, तो चार को आप क्वेड बोलोगे। पांच जो है इसको आप पेंट बोलोगे, पांच को पेंट बोल देना, ठीक है ना, पांच को पेंट। और छह को आप हेक्स बोलना, एस ई एक्स हेक्स, छह को आप हेक्स बोलना। और सात को आप सेप्ट बोलना, एस ई पी टी सेप्ट, सभी लेटर स्मॉल लेटर के रूप में आएंगे। और आठ को आप ऑक्ट बोलना, ओ सी टी ऑक्ट, ये तीनों ही अक्षर छोटे हैं, बड़े मत मानना। और नौ को आप इन बोलोगे, ई डबल एन इन, ई डबल एन इन बोलोगे आप। इस प्रकार से आपको जीरो से लेकर के नौ तक के अक्षर हैं उनके मूल नाम, जीरो से लेकर के नौ तक तो अंक हैं और फिर इन अंकों के मूल नाम ये हैं, ये आपको याद रखने हैं। जीरो नील होता है, एक को अन बोलना, दो को पाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा नहीं बल्कि क्वेड बोलना, चार को आईयूपीएसी पद्धति में आप चार को क्वेड बोलना, क्योंकि हम आईयूपीएसी पद्धति इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनकी तरफ से हम नामकरण पद्धति पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। तो चार को हम क्वेड बोलेंगे, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को सेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को इन बोलना। और ये याद रखोगे तो अब हमारी नामकरण की पद्धति है वो आसान हो जाएगी। तो जैसे हम शुरू करेंगे तो पहले एक बात और बताऊं, आप इन मूल अंकों के ये नाम लिखोगे, मूल अंक आ जाए उनका वो नाम लिखोगे और उस नाम के अंत में अनुलग्न के रूप में, नाम के अंत में आपको याद रखना है अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में, और एक शब्द लिखना है आई यू एम ई एम, आई यू एम ई एम शब्द आपको लगाना है। इन अंकों का जो मूल नाम आ जाए, मूल नाम के अंत में आई यू एम ई एम बोलते हैं हिंदी में, ई एम, ये आपको अनुलग्न के रूप में इनके अंत में लगाना है, ठीक है ना। हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप अंग्रेजी वाला याद रखना, जो इजी है
समझने में और याद रखने में। तो हम IUMEM लगा देंगे। अनुलग्न और अनुलग्न वो होते हैं जो किसी अक्षर के अंत में लगते हैं, तो अंत में हम अनुलग्न के रूप में और IUM लगा देंगे। कनिष्ठ की लैंग्वेज में अनुलग्न कहा जाता है अंत में लगाए जाने वाले को। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमें परीक्षा में पूछा जाएगा कि परमाणु क्रमांक 101, परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का आप IUPAC पद्धति में नाम लिखिए, IUPAC पद्धति में। तो ध्यान देना, हमें इनको देखना है, एक है, एक को तो अन बोलते हैं। यहां एक आया पहला, शुरुआत करो, पहला अक्षर देखो वन लिखा है, वन को मैं अन बोलूंगा। तो यहां याद रखना ये कैपिटल लेटर बना लूंगा, पहला अक्षर शुरुआत करते समय कैपिटल लेटर के रूप में ले आना UNN इस एक को। जीरो को नील बोलूंगा, जीरो को नील बोलूंगा, यहां स्मॉल लेटर में नील लिख दूंगा। उसके बाद में दोबारा एक आ गया, इस एक को फिर अन बोलूंगा, तो यहां इस प्रकार से स्मॉल लेटर में यहां अन लगा दूंगा। अन लगा दिया, अन लगाने के बाद में यानी तीन अक्षर थे, तीनों का मैंने यहां वर्णन कर दिया, तीन अक्षर थे, तीन अक्षरों के मूल नाम मैंने यहां लिख दिए। अब मूल नाम पूरे हो गए, एक दो तीन अक्षर है, तीन के मूल नाम पूरे हो गए। मूल नाम पूरे होते ही इनके अंत में आप EM जोड़ दीजिए, तो यहां लगा दूंगा IUMEM। अब इसे बोलूंगा ये क्या बन गया, अन नील अनियम, 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 इस प्रकार से आप इसको बोलोगे। और ये तो पूरा लंबा नाम हो गया इसका, और आप इसका प्रतीक लिखोगे, प्रतीक लिखोगे। तो एक बात बता, पहले इस एक को देखिए, एक के लिए क्या यूज किया, अन, तो कहने का अर्थ दो अक्षर आ गए। फिर इस जीरो के लिए क्या यूज किया, जीरो के लिए नील, नील में देखो तीन आ गए, यानी NIL तीन आ गए। फिर उसके बाद में दोबारा एक आया, एक का क्या यूज किया, अन, अन यूज किया, यहां इस प्रकार से UN आ गए, तीन खंड बन गए। तीन खंडों में से पहला पहला अक्षर उठा लीजिए, पहले वाला खंड UN, तो U उठा लूंगा, U उठा लिया। दूसरे खंड में नील है, तो इसका N उठा लूंगा, यहां N लिखा। तीसरे खंड में U है, तो यहां U उठा लूंगा। इस प्रकार से ये इसका प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। अरे ये सिंबल ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सोडियम का सिंबल Na होता है ना, पोटेशियम का K, ठीक इसी प्रकार अन नील अनियम का सिंबल UNU होगा। जैसे लंबा नाम लिखूं सोडियम नेट्रियम, नेट्रियम का पूरा नाम ना लिख करके मैं Na लिख देता हूं, ठीक उसी प्रकार अन नील अनियम पूरा लंबा नाम ना लिख करके उसका सिंबल इस प्रकार लिख देता हूं, यानी UNU। तो उम्मीद करता हूं कुछ समझ आ रहा है, और आगे बढ़िए, और जैसे आप लिखोगे तो समझ आता जाएगा आपको। देखिए फिर मैं 102 परमाणु क्रमांक वाले की बात कर लेता हूं। 102 परमाणु क्रमांक, पहले क्या है, एक, एक को लिखोगे अन, तो इस प्रकार से यू एन अन लगा देता हूं। जीरो, जीरो को लिखोगे नील, तो यहां NIL नील लिख देता हूं। फिर दो, दो को लिखोगे बाई। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, दो को बाई लिख दो गया है, और अब आपने तीन अंक थे, तीनों अंकों के मूल नाम लिख दिए। तो अब इसके बाद में अनुलग्न लगाना है EM। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके मूल नाम में पहले से आई आ रहा है और आप यहां EM लिखोगे उसमें भी आई आता है, तो फिर वो डबल नहीं करना है। पहले वाला जैसे किसी में आई आ गया, जैसे बाई में आई आता है और किसी में तो नहीं आता, बाई में आता है आई, और आप यहां भी लिखोगे IUM, तो यहां तो डबल हो जाएगा IUM, डबल नहीं करना है, सिर्फ हमें एक ही आई लिखना है। तो आप एक आई हटा दीजिए, यानी कहने का BI का मैंने बाई रखा, तो आगे IUM तीन ना लिख करके दो लिख लीजिए UM, यानी हमें डबल आई नहीं करना है, बाईयम क्या बन गया, अन नील बाईयम, अन नील बाईयम, अन नील बाईयम बन गया। अब इसका सिंबल लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं। तो प्रतीक में, तो देखिए पहले तीन अक्षर थे,
तीन एक का तो बना अन, जीरो का बना नील और दो का बना बाई। अब तीन खंड बन गए, तीनों खंडों में से पहले पहले अक्षर को उठा लीजिए। पहला खंड यूएन का है तो यू उठा लूंगा, तो यहां लिखूंगा यू इस प्रकार से। दूसरा खंड नील का है, नील एन आई एन नील का, उसमें से एन उठा लूंगा तो यहां एन लिखूंगा। तीसरा खंड बी आई एम बाई एम का है, तो इसमें बाई आता है तो कहने का बी उठा लूंगा इस प्रकार से बी। ये प्रतीक बन गया, ये क्या बन गया, इसका सिंबल प्रतीक बन गया। इतना लंबा नाम अन नील बाई एम ना लिख के आप यू एन बी लिख दो तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये अन नील बाई एम है इस प्रकार से। इसी प्रकार आप तीसरा एलिमेंट देखिए, यानी 103 नंबर वाला तीसरा, तो एक को क्या बोलोगे, अन बोलोगे, आप यहां अन लिख दीजिए। जीरो को आप नील बोलोगे, आप एन आई एल नील लिख दीजिए। इनको दूर दूर नहीं लिखना है, पास पास ही लिखना है, ठीक है ना। नील लिख दिया जीरो को, तीन को, तीन को आप ट्राई लिखोगे, टी आर आई ट्राई लिखोगे। और फिर क्या करोगे, याद रखना ईएम लगा दोगे, तो इसमें बाई और ट्राई में ये आई आ रहा है तो यहां यहां वाला आई रख लो, तो वो आई मत लगाना, तो यहां यूएम लगा दूंगा इस प्रकार से। अब इसका देखिए, तीन अक्षर थे तो तीन अक्षर थे तो यहां तीन खंड बनाऊंगा। एक का खंड तो यू एन है, जीरो का खंड नील है और तीन का खंड ट्राई है। क्या है, ट्राई है। इनमें पहले पहले अक्षर उठा लूंगा इन खंडों में। पहला खंड यूएन का तो यू लिखूंगा, ठीक है ना, यू लिखूंगा। दूसरा नील का तो एन लिखूंगा। तीसरा ट्राई का तो टी लिखूंगा इस प्रकार से, यू एन टी, ये इसका प्रतीक बन गया है। इस प्रकार से आप इनके नाम लिखते जाओगे। फिर 104 का नाम लिखिए तो क्या होगा, एक को क्या बोलोगे, एक को बोलोगे अन, तो आप लिखोगे यहां अन, ठीक है। जीरो को आप नील बोलोगे, नील, तो यहां एन आई एल नील लिखोगे। फिर आप चार को क्वेड बोलोगे तो लिखोगे क्यू यू ए डी क्वेड, चार को क्वेड बोलोगे। और अनुलगन के रूप में आई एम लगा दोगे तो यहां आई यू एन, अन नील क्वेडियम, अन नील क्वेडियम। अब इसके यहां तीन अक्षर थे तो तीन अक्षर के यहां तीन खंड बना लेंगे। एक का खंड तो अन हो गया, जीरो का खंड नील हो गया और चार का खंड क्वेड हो गया। और इन तीन खंडों में से पहले पहले अक्षर वो उठा लेंगे, तो यहां से यू तो यू लिखूंगा और नील में से एन तो एन लिखूंगा और क्वेड में से क्यू तो यहां क्यों लिखूंगा। ये इसका प्रतीक बन गया इस प्रकार से। और इन तत्वों के नाम लिखे जाएंगे। अगर मुझे कोई कह दे 109 वाले का लिखिए, 109 वाले का, तो 109 वाले का देखना, एक को क्या बोलूंगा, एक को अन बोलूंगा तो यहां लिखूंगा अन, जीरो को नील बोलते हैं तो लिखूंगा एन आई एल नील, फिर नौ को इन बोलते हैं तो लिखूंगा ई डबल एन। और अब इनके मूल अक्षर हैं, उनके मूल शब्द पूरे हो गए तो अंत में आई यू एम ई एम लगा दीजिए, तो आई यू एम ई एम, ये बन गया अन नील अनियम, अन नील अनियम, अन नील इनियम बोलना, अन नील इनियम इस प्रकार से। अब खंड तीन बनाऊंगा इसके हिसाब से, तीन खंड, तो पहला तो अन हो गया, दूसरा नील, चौथा इन हो गया। तो पहले में से यू उठा लूंगा, दूसरे में से एन उठा लूंगा और तीसरे में से ई उठा लेंगे और ये यू एन ई इसका प्रतीक बन गया। इस प्रकार 118 तक के तत्वों के और हमें नाम लिखने होते हैं। कितने तक के, 118 तक के तत्वों के नाम लिखने होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि आपके 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, उनमें तीन अंक आएंगे और तीन अंक आ रहे, देख रहे आप, तीन अंक आ रहे हैं, तीन अंक आ रहे हैं, तो इनका जो प्रतीक है वो तीन अक्षरों में बनेगा। तीन अंक आ रहे हैं तो प्रतीक तीन अक्षरों में बनेगा। पहले क्या करते हैं,
जो अंक है उन अंकों के मूल नाम लिखते हैं। ये तो अंक है और अंकों के मूल नाम ये है, और मूल नाम जब पूरे हो जाते हैं तो अंत में ईएम जोड़ देते हैं, और जिसमें आई आ रहा है जैसे बाई और ट्राई में आई आते हैं तो आप ईएम वाला आई मत लगाना। बाई में आई आ रहा है, ट्राई में भी आई आ रहा है तो फिर ये वाला आई लगाने की आवश्यकता नहीं है, डबल आई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 118 तक के नाम आपको लिखने हैं। ध्यान देना, एक को बोलूंगा अंत तो यहां अन लिखा, फिर दोबारा एक तो उसको भी बोलूंगा अन तो अन लिखा, फिर तीसरी बार भी एक तो उसको अन लिखूंगा, अन 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 एक का आ गया, अंत में लगा दूंगा ईएम तो आई यू एन, अन अन अनियम, अन अन अनियम, ठीक है ना। प्रतीक लिखोगे तो यहां तीन अक्षर है तो इसको तीन खंडों में बांट लेना, पहला एक का खंड ये रहा, दूसरे एक का खंड ये रहा, तीसरे एक का खंड ये रहा। अब तीनों खंडों के पहले पहले अक्षर उठाकर यहां लिख दीजिए, यूएन में से यू आ जाएगा और दूसरे खंड में से यू आ जाएगा, तीसरे खंड में से यू आ जाएगा, इस प्रकार से यू यू यू, इस प्रकार से ये 111 नंबर परमाणु क्रमांक वाले तत्व का, ये तो आईयूपीएससी नाम है अन अन अनियम, और ये उस तत्व का प्रतीक है, ठीक है। इसी प्रकार 112 की बात करूं तो ध्यान देना, एक को बोलोगे अन तो यहां अन लिखो, दूसरा एक है उसी को भी आप अन बोलोगे तो यहां अन लिखो, अब दो आ रहा है दो को बाई बोलूंगा तो यहां बाई लिखू, और ये पूरा हो गया लिखने का क्रम। अब ईएम लगा दू, ईएम में यहां आई आ रहा है पहले और यहां भी आई है तो अब डबल आई लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से। अब इसके यहां तीन अक्षर है तो इसके तीन खंड बनाऊंगा, पहला खंड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला अन का, दूसरा भी अन का और तीसरा बाई का। अब इनमें से पहले पहले अक्षर है वो उठा लेंगे, पहले में से यू, दूसरे में से यू, तीसरे में से बी, ठीक है ना, यू यू बी, इस प्रकार से ये इसका प्रतीक हो गया। इसी प्रकार 113 नंबर की बात करूं तो ध्यान देना कि अन अन ट्राइयम क्या बनेगा, पहले का अन, दूसरा एक है उसका भी अन, और फिर तीन लिखा है तो तीन का ट्राई होता है तो यहां रखूंगा टी आर आई ट्राई, और फिर लास्ट में ईएम लगाऊंगा, यहां आई इसमें भी आ रहा है, आई इसमें भी आ रहा है तो डबल आई करने की आवश्यकता नहीं है, यहां सिंगल आई रखिए और ईएम लगा दीजिए, अन अन ट्राइयम, अन अन ट्राइयम, और लिखोगे प्रतीक तो यहां तीन अक्षर है तो तीन खंड बना लीजिए, पहले अक्षर का खंड ये रहा, दूसरा एक है उसका खंड ये रहा, तीसरा जो एक है उसका ये खंड ये रहा। अब इनमें से एक एक शब्द पहले वाला उठा लीजिए, यू यहां लगा दूंगा, फिर दूसरे में यू यहां लगा दूंगा, तीसरे में टी यहां लगा दूंगा, इस प्रकार से यू यू टी इसका प्रतीक बन गया और ये इसका आईयूपीएससी पद्धति में नाम बन गया। 114 नंबर की बात करूं तो अन अन और क्वेडियम, अन अन क्वेडियम बनेगा, और प्रतीक लिखूंगा तो तीन खंड बना करके उठा लूंगा, यू और फिर यू और फिर क्यू क्वेड, इस प्रकार से यू यू क्यू, इस प्रकार से इसका प्रतीक बन जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।